हाँ दोस्तों, आईपीएल 2025 के लिए रॉबिन मिस को मिला परमिशन। रॉबिन मिस आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटन के टीम में हिस्सा होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या सच में रॉबिन मिस को आईपीएल 2025 खेलने के लिए परमिशन मिला है, तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि झारखंड के खूंखार आदिवासी खिलाड़ी रॉबिन मिस को गुजरात टाइटन के टीम ने आईपीएल एक्शन 2024 में 3,60,00,000 रुपए का बोली लगाकर अपने खेमे में शामिल किया था, क्योंकि रॉबिन मिस खूंखार विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और गुजरात टाइटन के टीम के लिए रॉबिन मिस जैसे विकेट कीपर बल्लेबाज का भी दरकार था। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि गुजरात टाइटन के टीम को आईपीएल 2024 में बुरा वक्त से गुजरना पड़ा था, क्योंकि गुजरात टाइटन के टीम ने जिस उम्मीद से झारखंड के आदिवासी खिलाड़ी रॉबिन मिस पर करोड़ों रुपया खर्च किया था, उस उम्मीद पर रॉबिन मिस खरा नहीं उतरा था, क्योंकि रॉबिन मिस आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटन के टीम में शामिल होने के बाद बाइक दुर्घटना से उसके दाहिने घुटनों में चोट लगने के कारण पूरे सीजन खेल ही नहीं पाया था। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि रॉबिन मिस आईपीएल 2025 के लिए गुजरात टाइटन के टीम में शामिल होने वाला है, क्योंकि गुजरात टाइटन के कोच और टीम मैनेजर ने रॉबिन मिस को आईपीएल 2025 खेलने के लिए परमिशन दे दिया है। तो दोस्तों, अब रॉबिन मिस को आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटन के स्क्वाड में शामिल कर दिया है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि रॉबिन मिस को गुजरात टाइटन के कोच आशीष नेहरा ने प्लेइंग 11 में जगह देगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, हम लोग को पूरा उम्मीद है कि गुजरात टाइटन टीम के कोच आशीष नेहरा रॉबिन मिस को प्लेइंग 11 में जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि गुजरात टाइटन के टीम को रॉबिन मिस जैसा खूंखार विकेट कीपर बल्लेबाज का जरूरत है। इस बात को गुजरात के कोच आशीष नेहरा को भली भांति से समझना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह मजेदार नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।